नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे धात्विक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। वर्गीकरण पर आज हमारा ये आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम पदार्थों का शुद्धिकरण या पदार्थों का पृथक्करण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पदार्थ वर्गीकरण करेंगे हम धात्विक गुणों के आधार पर। धात्विक गुण, धात्विक गुणों के आधार पर मुख्यतः पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। पहला धातुएं और दूसरा अधातुएं, यानी कि धातु और अधातु। मुख्यतः दो प्रकार होते हैं पदार्थों के, धातु और अधातु। धातु, पदार्थों का वह समूह जिसमें धातुओं के कुछ गुणों के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे कि धातुओं में कौन कौन से गुण मुख्यतः पाए जाते हैं। तो धातुओं में पहला गुण पाया जाता है, इनको उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। धातु का उदाहरण है लोहा और अधातु का उदाहरण है हमारे पास लकड़ी। यहाँ पर हमारे पास पहला गुण होता है इनका कि जो भी धातुएं होती है वो द्युतिवान यानी कि चमकदार होती है, जबकि अधातुएं इनमें चमक नहीं होती, यानी कि इन्हें क्या कहते हैं हम, निष्प्रभ। दिखावट के आधार पर हमने वर्गीकरण पढ़ा था पदार्थों का, उसमें पढ़ा था निष्प्रभ और द्युतिवान। ऐसे पदार्थ जिनमें चमक होती है उन्हें द्युतिवान कहते हैं, जिनमें चमक नहीं होती निष्प्रभ कहते हैं। तो धातु ये सभी द्युतिवान होती है यानी कि चमकदार होती है। इनकी सतह को नई सतह होती है तो वो चमकदार होती है, बाद में धातुओं में जंग लग जाता है। आगे देखते हैं, दूसरा गुण होता है मुख्यतः इनका धातुओं का आघात वर्धनीयता। यह धातुएं आघात वर्धनीय होती है, ये नहीं होते आघात वर्धनीय। अर्थात लोहे को हम देखें, लोहे में आघात वर्धनीयता कैसे होती है? अगर हम लोहे को पीटते जाएं पीटते जाएं पीटते जाएं तो धीरे 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 पतला होकर एक चादर का रूप ले लेगा। तो सभी धातुओं को हम पीटकर उनसे एक पतली चादर बना सकते हैं। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता, यानी कि इन पे जो हम आघात करें यानी कि चोट करें तो इसे ये सहन करने में सक्षम होती है। जबकि लकड़ी, लकड़ी पर अगर हम चोट करें तो टूट जाएगी, बल्कि उसकी चादर नहीं बना सकते। इसके बाद इनका एक गुण आता है तन्यता। अगर हमारे पास लोहे की कोई छड़ है, उस छड़ को अगर हम मोड़े पकड़ के तो वो टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है। तो वह गुण जिसके कारण धातुएं मुड़ जाती है उसे क्या कहते हैं, तन्यता। तो धातुओं में तन्यता पाई जाती है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें तन्यता पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, धातु, और जिनमें नहीं पाई जाती या जो चटकने होते हैं, चटक जाते हैं, टूट जाते हैं, मतलब टूटने वाले पदार्थ, इन्हें क्या कहते हैं, अधातु। अगला गुण देखते हैं इनका। अगर किसी भी धातु पर हम किसी अन्य धातु से या किसी और अन्य पदार्थ से चोट करें तो इनमें से एक विशेष ध्वनि की आवाज उत्पन्न होती है। जैसे कि लोहे को हम ऐसे करें, लकड़ी का अलग साउंड होता है जबकि धातुओं में एक अलग टाइप का साउंड होता है। तो उस साउंड के कारण इनकी धातुओं को कहा जाता है ध्वनिक।
मतलब ये विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनको चोट मारने पर वे विशेष प्रकार का ध्वनिक या जिनके कणों में कंपन होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? धातु। जबकि अधातु ध्वनिक नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लकड़ी को किसी बड़े हथौड़े से पीटें तो भी आवाज आधा किलोमीटर की, मतलब 500 मीटर भी नहीं, 100 मीटर भी नहीं जाएगी। जबकि अगर किसी लोहे को किसी फैक्ट्री के अंदर पीटा जा रहा है तो बाहर टन 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 आवाज जाती है, उसे हम ध्वनिक गुण कहते हैं इनका। अगला गुण देखें, लोहा क्या है? लोहे को गर्म गर्म करें तो गर्म हो जाता है। अर्थात इनका अगला गुण होता है, और लोहे में करंट भी लग जाता है, लोहे पे अगर कोई बिजली का तार पड़ जाए तो ये करंट भी मारता है। तो अर्थात सभी धातुएं ऊष्मा ऊष्मा की सुचालक होती है, या इनको सुचालक ही लिखे, सुचालक अपने आप में ही जबकि अधातुएं अचालक होती है। इस तरह से अगर हम देखें कि धातुओं और अधातुओं को हम कैसे पृथक कर सकते हैं तो इन गुणों के आधार पर हम इन्हें पृथक कर सकते हैं। मुख्यतः देखें उदाहरण के तौर पर, तो उदाहरण हम पहले लिख चुके हैं इनके, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, जबकि इसके उदाहरण देखें तो कार्बन यानी कि लकड़ी, कार्बन जिससे लकड़ी बनी होती है, सल्फर, बोरोन, ये सारे तत्व अधातु हैं। सामान्यतः सभी धातुएं ठोस होती, हमने देखा है लोहा होता है ठोस होता है, तांबा ठोस होता है, एल्यूमिनियम ठोस होता है, चांदी ठोस होती है, सोना ठोस होता है, परंतु कुछ अपवाद हैं जिन्हें हम लिख लेते हैं। सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम दोनों नरम धातुएं हैं। ये कैसी धातुएं? नरम, और सभी धातुएं कठोर होती है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है इस पर, चाकू से काटा जा सकता है। अगले एक अपवाद देखते हैं, HG यानी कि मरकरी, इसे पारा भी कहते हैं। यह एकमात्र धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु। तो देखते हैं, हमने पता पदार्थों का वर्गीकरण धात्विक गुणों के आधार पर, यानी कि धातु धातु में जो गुण होते हैं उनके आधार पर हम पदार्थों को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, पहले धातु और अधातु। अर्थात जो भी पदार्थ
पहले तो देखें हम ठोस होते हैं, वो सभी धातुओं में आते हैं ज्यादातर, परंतु सोडियम पोटेशियम और मरकरी ये तीनों अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम नरम धातु हैं, जैसे ये बिल्कुल गुड़ के जैसी होती है नरम, आराम से इनको चाकू से काटा जा सकता है। एच जी जो है मरकरी पारा, ये सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा गुण देखते हैं धातुओं का, धातु ये चमकदार होती है, द्वितीयमान होती है। इनकी नई सतह को काटे हम, लोहे को अगर काट दे बीच में से, तो उसकी सतह बिल्कुल चमकदार होती है, जबकि अधातु निष्प्रभ होती है, यानी कि चमकदार नहीं होती है। इनको आघात वर्धनीय होती है धातु, मतलब इनको पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, जबकि अधातुओं से ऐसा नहीं किया जा सकता। धातुओं में तन्यता पाई जाती है, अर्थात इन्हें मोड़ा जा सकता है, टूटेंगी नहीं है, जबकि ये चटकने होते हैं, टूट जाते हैं मोड़ने पर, लकड़ी होती है, सल्फर होता है, इसी चीज। धातुओं को पीटने पर उन ध्वनि उत्पन्न होती है, विशेष ध्वनि, अर्थात इन्हें धातुओं को ध्वनिक गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में नहीं पाया जाता। धातुएं सुचालक होती है ऊष्मा की, और अधातुएं अचालक होती है, कुचालक होती है। उदाहरण देखें तो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, और अधातु के उदाहरण देखें तो कार्बन, लकड़ी, सल्फर, बोरोन, प्लास्टिक, ये सभी हमारे पास अधातु में आते हैं। धातु और अधातु के बीच में कुछ उपधातु भी होते हैं, इनके विशेष गुण नहीं दर्शाए गए हैं, क्योंकि ये कुछ गुण धातु के प्रदर्शित करते हैं, कुछ गुण अधातु के प्रदर्शित करते हैं, मतलब इन दोनों के बीच के होते हैं उपधातु, जिनमें सिलिकन, जर्मेनियम ऐसी दो धातुएं आती है। आगे पढ़ते हैं, चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, पहले चालक या सुचालक, दोनों एक क्यों बोला जाता है, दूसरे होते हैं अचालक, या कुचालक, और तीसरे होते हैं अर्धचालक। चालक या सुचालक ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित होती है, उन्हें क्या कहते हैं, चालक या सुचालक, जबकि ऐसे पदार्थ जिनमें किसी भी परिस्थिति में ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित नहीं होती, इन्हें हम क्या कहते हैं, अचालक या कुचालक पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जिनको एक विशेष ताप पर गर्म करने पर विशेष ताप पर ये ऊष्मा और विद्युत का विशेष ताप पर विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित होती है, ऐसे पदार्थ जिनमें नॉर्मल टेम्परेचर पर वो अचालक की तरह कार्य करते हैं, जबकि कुछ गर्म करने पर, यानी कि एक विशेष तापमान होता है उनके लिए, उस तापमान पर गर्म करने पर वो भी सुचालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। ऐसा करते क्यों, ऐसे पदार्थ
ऊष्मा का संचालन या चालन या विद्युत का चालन होता क्यों है? इलेक्ट्रॉन की मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। तो ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? सुचालक या चालक। जिनमें एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, उपस्थित नहीं लिख देते, उन्हें कुचालक या अचालक कहते हैं। और इनमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, परंतु इनकी बाह्य कक्षा में, बाह्य कक्षा पूरी भरी भी नहीं होती, अर्थात इनको गर्म करने पर इनकी जो बाहरी कक्षा होती है उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। मतलब इनमें जो बाहरी कक्षा है वो आधी भरी होती है, इसलिए वो भरी भी होती है और खाली भी होती है, इसलिए इन्हें अर्धचालक कहा जाता है। मतलब यहां पर सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं सॉरी, जबकि एक विशेष ताप पर गर्म करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। कैसे समझते हैं? कोई भी पदार्थ होता है या तत्व होता है, उसमें जैसे बीच में एक नाभिक होता है, उसके आसपास कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो ऐसे पदार्थ सुचालक होते हैं और ऊष्मा का संचालन करते हैं, विद्युत का भी संचालन करते हैं। जिनमें बाह्यतम कक्षा में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, वो ऊष्मा के सुचालक भी नहीं होते और संचालन भी नहीं करते, इन्हें अचालक या कुचालक कहा जाता है। जबकि बाह्यतम कक्षा में अगर जैसी जरूरत है टोटल होने की 8 और इसमें है 4, तो ये अर्ध रूप से स्थायी होते हैं, यानी कि ये सामान्य तापमान पर एक अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि कुछ गर्म करने पर या कुछ ऊष्मा पाकर ये सुचालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। देखते हैं, अगर चालक सुचालक के उदाहरण देखें हम, तो सबसे अच्छा चालक जो पृथ्वी पर उपलब्ध है वो चांदी है। सीधा प्रश्न बनता है इससे, चांदी सर्वोत्तम चालक है। और इसके बाद एल्यूमिनियम आता है, कॉपर, लोहा आता है, निकल आता है, ये सभी धातुएं हैं और सुचालक है, ऊष्मा की सुचालक है उदाहरण के तौर पर। अचालक के उदाहरण देखे तो हम, कार्बन होता है यानी कि वही लकड़ी, कार्बन, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि, अर्धचालक के उदाहरण में 2 आते हैं, पहला सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम।
ये दोनों सामान्य ताप पर अचालक की तरह व्यवहार करते हैं और विशेष ताप पर गर्म होने पर सुचालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। अगर चालक को चालक और अर्ध चालक को देखें हम स्टेबिलिटी के आधार पर, तो चालक सबसे कम स्टेबल होते हैं, मतलब इनका स्थायित्व न्यूनतम होता है, इनका सर्वाधिक होता है, और इनका मध्यम होता है। कैसे? हमने देखा मुक्त इलेक्ट्रॉन को, मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां पर ज्यादा होंगे तो वो स्थायी कम रहेगा, वहां पर हमेशा गुंजाइश रहती है नए तत्वों के जुड़ने की, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थायित्व इनका न्यूनतम होता है सबसे कम, जबकि अचालक या कुचालक का सर्वाधिक होता है, इनमें चालन नहीं होता इसी कारण से, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और अर्धचालक जिनमें मध्यम रूप से उपलब्ध होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये मध्यम अवस्था में आते हैं। इस तरह से हम देखा आज पदार्थ के वर्गीकरण को हमने पूरा किया। पहले हमने देखने के आधार पर यानी कि दर्शनीयता या फिर दिखावट के आधार पर कहें तो हमने पदार्थों को पढ़ा कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने दिखावट के आधार पर हमने उनकी कठोरता के आधार पर पढ़ा, कठोरता के बाद हमने उनकी अवस्था के आधार पर पढ़ा, धातु गुणों के आधार पर पढ़ा, और हमने सुचालक और कुचालक यानी कि चालकता के आधार पर पढ़ा। तो इस तरह से हमने पदार्थों का वर्गीकरण पूरा पढ़ लिया। इसके बाद के वीडियो में हम वर्गीकरण के बाद इनका पृथक्करण या शुद्धिकरण पढ़ेंगे, जिसमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग कैसे किया जाए, इसकी विधियों का वर्णन करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।